सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग अपन सौरभ के घर पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी आपको पता है सौरभ का घर है, ये खड़ा सौरभ एंड ये खड़ा हमारे अशु भाई, एंड जिसकी वो वहाँ पे कपड़े धोता है, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। सो आज अपन जाने वाले हैं बहुत बढ़िया सी लोकेशन पे। कहाँ जाने वाले हैं? संजय लेक जाने वाले हैं, पूरा वहाँ का आपको एक्सप्लोर करेंगे। अब जो भी चीज होगी सब दिखाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डूड। सो मिलते हैं आपको संजय लेक में। बाय द वे अपन मेट्रो से जाने वाले हैं, क्योंकि हम पे गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है। सो ये हमारे साथ जाएंगे एंड ये जाएंगे, तो ये हमारा इस टाइम कैमरा पैक हो रहा है। सो चलते हैं एंड आपको वही मिलते हैं। सो वही चल रहे ना भैया? हाँ चलो ठीक है भैया, डन। तो ये लास्ट व्लॉग में कच्चा पहन के घूम रहा था, अब तौलिया पहन के घूम रहा है। सो भाई तो मैंने आज आउटफिट कुछ ऐसी पहनी है, फटी चिरी सी, जो मिलता है डाल लो उसी में खुश लो। सो भाई सो चलते हैं एंड देखते हैं। अभी सौरभ के घर से निकल चुके हैं एंड अभी रास्ते में हैं। सो मेट्रो जा रहे हैं अपन, मेट्रो से करके जाएंगे नियर बाय मेट्रो स्टेशन लोकपुरी के पास संजय लेक। सो भाई तो चलते हैं एंड वहाँ का दिखाते हैं आपको क्या व्यू क्या नहीं। बाय द वे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं आज से पहले वहाँ पे कभी नहीं गया। मेरा मास्क मेरे हाथ में ही है, तो अभी मैं मास्क पहनूंगा, उसके बाद तो भाई वहाँ के हिसाब से चलना पड़ता है ना, वहाँ कोई नहीं डालता तो हम भी नहीं डालते। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। सो गाइस अब फाइनली अपन पहुंच चुके हैं वोरा हमारा संजय लेक, अपन वहां जाके फिर शूट करेंगे सारा। सो अभी चलते हैं मेट्रो से, भी हमने एग्जिट लिया है। सो अभी संजय लेक पे जाके अपन फोटो शूट वगैरह सब करने वाले हैं, तो इसे चलते हैं एंड देखते हैं। सो फाइनली अपन डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं अपनी, ऐसे कुछ दिखती है लोकेशन। सो देख लो एक बार आप, बस यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर ना फोटो शूट करने का थोड़ा सी जगह नहीं मिल रही हमें, और रील्स वगैरह का मतलब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, देख लो आप एक बार, कूड़ा कचरा सारा पड़ा हुआ है। बाकी लोकेशन तो अच्छी लगी मेरे, त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन आप एग्जिट करोगे तो सीधा संजय लेक की तरफ ही जा रहा है रास्ता, जिससे पूछ लेना कोई भी बता देगा। तो मतलब सेफ लोकेशन तो नहीं है कहेंगे इसको, इतनी सेफ नहीं है, मतलब हम तो तीन जने आए हैं तो इतना डर नहीं है। बाकी लोकेशन सही है हमारे हिसाब से, तो बस वो ये जगह नहीं है कहीं पर अच्छे से शूट वगैरह करने की, अगर जगह होती ना और मज़ा आ जाता है यहाँ पर शूट वगैरह करने में। तो हमारा अभी प्लान चेंज हो रहा है, अभी अपन जा रहे हैं NSP, यहाँ आके तो हमारा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। जा रहे हैं NSP, चल रहे हैं NSP, चल रहे हैं NSP, चलो। लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, वो संजय वन गए थे हम संजय वन की लेक पे, बट वो इतना खास नहीं था वहाँ ना, मतलब बाउंड्री सी बननी थी लेक के पास में, वो कूड़ा कवाड़ा ही पड़ा हुआ था, तो वहाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और ये आए हैं हम EOD एडवेंचर पार्क के जस्ट बाजू में है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और एक बार ये वाला ब्रिज देखो कितना खतरनाक बन रहा है, दिखाना एक बार, ये देखो कितना मस्त ब्रिज बन रहा है, और ये ब्रिज हिल भी रहा है, अगर इस पर हम वॉक करेंगे ना तो ये हिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। बाय द वे अपन यहाँ पे आप थोड़ा बहुत फोटो शूट करेंगे, ये सारा फोटो शूट हमारा इंस्टाग्राम पे जैसे कि आपको हर बार की तरह देखने को मिल जाएगा, तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखना। और अंदर ऐसी एक दो चार जगह और होंगी तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे ये भी सबसे बढ़िया लोकेशन है, जरा अपन रील्स वगैरह सब बनाएंगे। सो अपन रील्स बना लेते हैं। और भैया अस्सलाम वालेकुम। सो ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे रील्स बना लेते हैं, सो रील्स बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। सो वाह Wrapped up in the summer days, try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to save our bodies against the waves. Could we stay in blue? Ooh, ooh, ooh.
तो मेरा तो फोटोशूट थोड़ा बहुत हो चुका है एंड रील्स भी मैंने थोड़ी बहुत बना ली है जिसकी अभी आपको देखने को मिल जाएंगी। सड़क जबानी चाय में पानी हाथ में कारगारी नाकाब खाली भारी थाली सर पे जिम्मेदारी एक ही तो मालिक बाकी कुछ दिन वाले कर्मचारी काहे का बीफ तू इस रैप खेल में। लेकिन लोकेशन मेरे को एक नंबर लगी और कमेंट करना यार कि आपको लोकेशन कैसे लगी, ज्यादा दूर नहीं है ईओडी के जस्ट बाजू में है, मैंने आपको जैसे बोला था। सर लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है एंड ये भैया हमको मिल चुके हैं तो अभी अपन ये खाएंगे जिसमें मैंने बताया था आपको मैं घर से कुछ खा कर नहीं आया हूँ तो अभी भी इसको खाएंगे एंड से तो भूख खत्म होगी। हमने ये जितना भी दिख रहा है ना ये सारा ईओडी एडवेंचर पार्क है, ये जितना भी दिख रहा है तो वहाँ बोट वो बोटिंग एरिया है उसका। सो भाई सो पहले इसको खा लेते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आगे से पकड़े पीछे से अब नीचे देख बस फिर हमने ये लगवाई है दो एरी इनका फोटोशूट ही नहीं खत्म हो गया तेरा भाई। बस करो यार गरीब की जान लोगे क्या? अरे भैया अरे भैया सनी लियोनी फैन है तुम पे। गाइस वहाँ से अपन फ्री हो चुके हैं मतलब एक घंटा हमने वहाँ बिताया था पूरा तो अभी अपन अंदर जा रहे हैं। तो आप मेरे चारों तरफ एक बार जंगल ही जंगल है और हमने इतना बॉम बॉम फोटो शूट करा है ना और इस साइड तो ये सारा लेक का एरिया है एंड ये सारा जंगल ही जंगल है देखो एक बार। सो मतलब फोटो शूट में तो भाई एक नंबर लोकेशन लगी, फ्री की लोकेशन है, विजिट जरूर करना। ईओडी पार्क के जस्ट बाजू में है, 5 मीटर का डिस्टेंस होगा। सो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका त्रिलोकपुरी है, त्रिलोकपुरी से यहाँ पर आने के 10 से 20 रुपीज़ लगेंगे, हम तीनों को तो 20 रुपीज़ लगे थे ऑटो में। सो भाई तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं, अंदर चलते हैं। एंड वाली लोकेशन जो है जो हमने सुनी है यहाँ पर दो चार बंदों से हमने सुन ली मतलब गुड लोकेशन खतरनाक होने वाली है। सब अंदर चल के देखते हैं वो वाली लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। बाकी बोटिंग एरिया भी है इसमें, ईओडी में तो है ही बोटिंग एरिया, इसमें भी बोटिंग एरिया है। सो भाई देखते हैं क्या चार्जेस रहती है क्या नहीं। ₹130 का इसका टिकट है एंड देख सकते हो आप मैंने पे कर दिए पैसे इनको भैया को। सो 30 मिनट की राइड है और इस पार्क का नाम है संजय लेक। 130 में 4 बंदे अलाउड है तो चलते हैं ये भैया हमें बोटिंग कराएंगे एक बार मैं आपको ये सारा बोटिंग एरिया है देख सकते हो आप एंड वो उस वाली बोट में अपन जाएंगे। सो बेसिकली ये ईओडी में भी है बोटिंग एरिया और यहाँ पे भी है, बस ये है कि आपको खाली बोटिंग करनी हो तो आप इसमें भी आ सकते हो एंड बढ़िया है। चलो अपन चलते हैं ये एरिया हमारी बोट ये आ गया अंदर ये इसका हैंडल है पैक करो तो यहाँ पर हमारी बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसकी आप देख सकते हो क्या मजा आ रहा है। 8 मिनट है अभी हमारे पास में एंड ये इसका हैंडल है जिधर मर्जी को हम घुमा सकते हैं। ओ खुद तो हार्ड है इसका हैंडल इधर चलानी है उधर। सो अच्छू भाई हमारे वहाँ बैठे हैं आज भाई तो वो अभी एंड बहुत मजा आ रहा है उसका हैंडल घुमा दिया उल्टा मैं चला उल्टा और तुम भी चलाओ ना इधर से। बात बोले आपसे तो भाई बहुत मस्त है एंड पानी का जस्ट ऊपर है अपना एक्सपीरियंस तो बहुत मजा आ रहा है। सो आप भी विजिट जरूर करना नियर बाय मेट्रो स्टेशन वगैरह सब में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड अपन यहाँ पे भी अपन रील्स बनाएगा सब रील्स बनाते हैं उसके बाद में आपसे मिलते हैं जब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स देखो। Thank you.
रुक जा। इनको बोट भी नहीं चलाने आती ठीक से। यहाँ पर हमको बोट चलाते चलाते 30 मिनट दिए थे उन्होंने हमें पूरा एक घंटा हो चुका है यहाँ पे बोट चलाते चलाते। और भैया ने हमें कुछ नहीं बोला। अब पता नहीं जाके हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले या ना ले आई डोंट नो। सो भी अपन जाके सीधा खड़ी कर देंगे इसको। सो यही था कुछ आज का वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सब्सक्राइब करके नहीं जाता तो मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, देख के सीधा भाग जाते हैं। यार मेहनत लगती है यार इतनी दूर से आया। फोटोशूट वगैरह देखा होगा आपने, लोकेशन आपको दिखा दी है मैंने कैसी है कैसी नहीं है। वैसे भी सनसेट पड़ रहा है इस साइड, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो भाई सो लाइक जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, देख लेना मैंने कैसी कैसी रील्स वगैरह बनाई है और फोटोशूट। तो भाई वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट किसी बॉम्ब कंटेंट के साथ में सेक्सी बेबी।